एक बहुत ही ज्यादा सुहाना दिन है गाइस। और मेरे कपड़े देखो भाई तुम लोग, आज मैंने बिल्कुल अलग ही स्टाइल से कपड़े पहन रखे हैं। शर्ट ऊपर पहन रखी है और फुल स्लीव वाली जो टी शर्ट होती है वो मैंने अंदर पहन रखी है और ऊपर शर्ट, क्या ही हिसाब किताब है। खैर जो भी हो, चलो गाइस चलते हैं सुबह सुबह चॉप के पास। क्यों भाई चॉप नहीं है ये तो यहाँ पर, कहाँ गया? शायद से ऊपर गया होगा। वेट गाइस, इधर उधर घूमता रहता है ये चॉप अपने पूरे घर में। ओए चॉप भाई कहाँ पर है तू? टीवी भी देख रहा है क्या? नहीं यार टीवी के पास भी नहीं है। हेलो भाई चॉप। नहीं गाइस इधर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। भाई कहाँ चला गया ये? अच्छा छत पे गया होगा। हाँ गाइस पूरे चांसेस है छत पे गया हो, या तो यहाँ पर गया है या फिर बाथरूम में। गाइस उसका पेट भी तो खराब होता रहता है। हेलो भाई चॉप तू बाथरूम के अंदर है? हेलो ओए चॉप ये तो बोल ही नहीं रहा कुछ। यहाँ पर नहीं होगा गाइस बाथरूम में भी। फिर कहाँ गया ये सुबह सुबह? एक काम करते गाइस छत पे जाकर देख ही लेते हैं, पक्का ये छत पे लॉस सैंटोस के मस्त नजारे ले रहा होगा। आई नो, लेट्स गो। चढ़ते हैं छत पे। ये छत पे आ चुके हैं हम लोग और नहीं है यहाँ पर चॉप। व्हाट कहाँ गए ये? अरे कल ही तो मैंने रात को इसे मस्त वाले गाइस खाना दिया था, एकदम मस्त टेस्टी फूड दिया था मैंने। अरे कहाँ से ही गिर गया मैं। ये देखो यहाँ पर खाना वाना होगा, वो तो रखा भाई। देखो पूरे 4 कैन मैंने दिए थे इसे भर भर के मस्त वाला एकदम सूप, और ये तो गायब भी हो गया। कहाँ चला गया ये पता नहीं गाइस। पूरा घर मैंने छान मारा है यार, पूरे घर में कहीं नहीं मिला मुझे ये। अपने गार्डन वार्डन में इधर कहीं। हेलो शर्मा जी है यहाँ पर? नहीं यार इनके भी घर में नहीं है कोई। चौप भाई कहाँ है ये? नहीं गाइस इधर भी नहीं है। एक काम करता हूँ, अपने घर के जो राइट साइड वाला गार्डन है वहाँ पर चल के एक बार देख लेते हैं गाइस। लेट्स गो। इधर भी नहीं है। हाँ इस वाले गार्डन की मैं बात कर रहा था गाइस। इधर हम लोग बहुत कम आते जाते हैं, बट इधर भी नहीं है यार ये चौप का बच्चा तो। नहीं इधर भी नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है ये। कहाँ गया ये चौप? अचानक से गायब हो गया घर पे से अपने। कहाँ जा सकता है ये? माइकल के घर? हाँ माइकल के घर गया होगा। एक काम करता हूँ किसी की गाड़ी छीनता हूँ, एक मस्त गाड़ी आ रही है। इस वाले बंदे की गाड़ी छीनते हैं गाइस फटाफट। चल आ जा बाहर, और इस वाली गाड़ी को लेकर हम लोग चलते हैं माइकल के घर पे, क्योंकि चॉप भाई कभी कभी उदास होता है या फिर उसका मूड खराब होता है तो वो माइकल के घर पे चला जाता है कभी कभी। एक काम करते हैं जरा चेक करके आते हैं आखिर में माइकल के घर पे है या फिर नहीं चॉप। और साथ में एक काम कर दो गाइस, मैं लेमार को भी कॉल करके पूछ लेता हूँ, और साथ में लेस्टर को भी कॉल करके पूछ लेता हूँ। लेमार और लेस्टर दोनों को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि भाई चॉप आया है या फिर नहीं, और चलते हैं फिर माइकल के घर। लेट्स गो। और मैंने गाइस लेस्टर और लेमार दोनों को कॉल करके पूछ लिया है भाई चॉप उनमें से किसी के घर भी नहीं गया है, और यहाँ तक कि गाइस मैंने ट्रेवर को कॉल करके भी पूछ लिया है भाई चॉप वहाँ पर भी नहीं गया है। और अभी मैं आया हूँ माइकल के घर पे पूछने के लिए। वैसे मैं कॉल करके भी पूछ सकता था लेकिन इसका घर पास में ही है यार, इसलिए मैं डायरेक्ट गाड़ी लेकर आ गया। हेलो भाई माइकल कहाँ पर है ये? हेलो भाई माइकल कहाँ पर है तू? अरे माइकल है भी कि नहीं घर पे? ओ वोरा फोन चला रहा है वहाँ पर। ओ माइकल भाई चॉप आया क्या यहाँ पर? नहीं तो यार यहाँ पर तो चॉप नहीं आया। अरे आया होगा यार एक बार देख तो, तेरे घर में नहीं है यार। तुम भी कैसी बात कर रहे हो, चॉप क्यों आएगा यहाँ पर? अरे नहीं वो कभी कभी आ जाता है ऐसे घूमने के लिए। नहीं नहीं यार चॉप नहीं आया है। अच्छा अरे यार चॉप यहाँ पर भी नहीं आया है। मैंने लेस्टर से भी कॉल करके पूछा, लेस्टर के घर पे भी नहीं गया। लेमार से भी कॉल करके पूछा, लेमार के भी घर पे नहीं गया है। तो आखिर ये चॉप गया कहाँ? काम करूँ क्या इसके घर में, मैं खुद चेक कर लूँ क्या? लेकिन यार ये कह रहा है तो झूठ क्यों बोलेगा? तो फिर आखिरकार ये चॉप गया तो गया कहाँ? साइमन, हाँ साइमन से एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से चलते हैं साइमन के शोरूम पे और जरा साइमन से पूछते हैं कि चॉप वहाँ पर आया है कि नहीं। लेट्स गो, चलते हैं गाइस फटाफट साइमन के शोरूम की तरफ। फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइविंग के बाद मैं आखिरकार साइमन के शोरूम बस पहुँचने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली में उस वाले रोड पर जाना है, मैं थोड़ा गलत आ गया एक सेकेंड। हाँ मैं थोड़ा सा गलत आ चुका हूँ, मुझे राइट साइड वाले रोड पर जाना था, मुझे शायद से पीछे ही टर्न लेना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, यहाँ से टर्न है कि नहीं है? अबे टर्न ही नहीं है यहाँ से तो। अरे मैं जाऊँ कैसे इसके शोरूम? कितनी दिक्कतें आ रही है इसके शोरूम जाने में आज। वेट, इस वाले हाईवे से फिर इस वाले हाईवे पर जाना पड़ेगा भाई, लंबा चौड़ा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से इधर और फिर उसके बाद इस वाले हाईवे पर, और फिर हाँ इस वाले हाईवे से आई थिंक मैं पहुंच जाऊंगा साइमन के शोरूम की तरफ। लेट्स गो। अरे भाई मैं रॉन्ग साइड क्यों जा रहा हूँ?
अब इधर चलते हैं वोरा साइमन का शोरूम। लेट्स गो, पहुंचने वाले गाइस हम लोग। बस यहाँ से यू टर्न लेते हैं और वो रहा साइमन का शोरूम। बस यहाँ से फिर यहाँ पर राइट टर्न लेते हैं और ये आ गए साइमन के शोरूम। भाई आज एक भी गाड़ी नहीं है इसके शोरूम में, सारी गाड़ियाँ बेच डाली क्या इसने? क्या बात है, सही शोरूम चल रहा है। वैसे वो सब छोड़ो यार, मुझे तो चॉप को ढूंढना है। हेलो भाई साइमन, चॉप आया क्या यहाँ पर? चॉप? कौन चॉप? अरे भाई अपना डॉगी चॉप, खतरनाक वाला चॉप। अच्छा चॉप? नहीं यार चॉप तो नहीं आया, क्यों? अरे यार उसका पता नहीं चल रहा है। मतलब सुबह से ही गायब है यार, उसको काफी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। अरे इधर ही कहीं गया होगा यार। पर नहीं है भाई, अपने पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, माइकल, लेस्टर, ट्रेवर, लेमार, सबसे बात कर लिया भाई, किसी के भी घर पे नहीं गया चॉप। चॉप तो यहाँ पर भी नहीं आया, आई एम सॉरी यार। अरे लेकिन चॉप फिर गया कहाँ? पता नहीं, ये पहले तो कभी ऐसा गायब नहीं हुआ बिना बताए अचानक से ही। इसका भी अलग ही ड्रामा है भाई, पूरा ही गायब ही हो गया एकदम से। लेकिन जाएगा कहाँ? ना इसके कुछ ठीक ठाक से दोस्त वगैरह हैं, ना कोई और हमारे पास घर है। कहाँ जा सकता है ये? आई डोंट नो गाइज। एक काम करता हूँ, जरा लॉस सैंटोस में चारों तरफ चक्कर लगाता हूँ और देखता हूँ चॉप मिलता है कि नहीं। भाई लॉस सैंटोस ज्यादा बड़ा तो है नहीं, क्योंकि इतना सा अपना, वैसे ज्यादा बड़ा तो काफी ज्यादा है, बट फिर भी गाइज हम लोग ढूंढ सकते हैं चॉप को लॉस सैंटोस के में। इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी से पूरे लॉस सैंटोस में चॉप को ढूंढने के लिए और देखते हैं चॉप मिलता है कि नहीं। वैसे गाइज तुम लोग चाहते हो कि चॉप जल्द से जल्द मिल जाए तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइज यस गाइज, अभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि चॉप जल्दी से मिल जाए। फिलहाल तो ढूंढता हूँ मैं इसे लॉस एंजेलिस में। हेलो भाई चॉप, कहाँ पर है तू? रात हो चुकी है गाइस, वैसे रात नहीं हुई है, शाम हुई है। हाँ रात ऑलमोस्ट होने वाली है और भाई अभी तक चॉप का कुछ पता नहीं चला है। भाई लिटरली मैं हर जगह मैंने चॉप को छान मारा है, पूरे लॉस एंजेलिस में कोई कोना नहीं छोड़ा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा भाई। अब सबके घर के अंदर तो जाकर मैं देख नहीं सकता, बाहर से ही देख देख के आया मैं, मतलब घर के बाहर, सड़क के बाहर, मतलब सड़क पे और फुटपाथ वगैरह और अलग अलग चीज़ों पे, पार्किंग्स में, हर जगह देख कर आया, बट चॉप का कुछ पता नहीं चल रहा है। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मैं थक भी चुका हूँ यार, लिटरली मैं कुछ पता नहीं चला, एक क्लू तो लग नहीं मिला कि वो गया तो गया कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से चॉप का बच्चा। पूरा एक दिन हो गया, आया तो नहीं है वापस? एक बार चेक करूँ क्या? हेलो भाई चॉप, तू आ गया क्या घर? नहीं गाइस नहीं आया यार ये वापस, पता नहीं कहाँ ही भटक रहा होगा ये, कहीं लॉस सैंटोस के विलेज साइड तो नहीं चला गया? लेकिन वहाँ क्यों जाएगा ये? पता नहीं भाई कहाँ ही गया ये, आई डोंट नो कहाँ चला गया ये अचानक से ही। और एक सेकेंड, ये कुत्ते के भोंकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? चॉप आ गया क्या? ओ ये डॉगी क्यों मेरे पे भोंक रहा है? हेलो भाई क्या हो गया तुझे? कैसे भड़क गया मेरे ऊपर ही? क्या हो गया भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है सीरियसली, क्यों भौंक रहा है मेरे पे ही भौंक रहा है, किसी और पे नहीं, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। फिर क्यों भाई, क्या हो गया तुझे? हेलो कुछ बताना चाह रहा है क्या डॉगी? कहीं से तो चॉप के बारे में नहीं कुछ पता? पता नहीं गाइस कहाँ जा रहा है ये, आई थिंक मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। गाइस देखते हैं भाई साहब कहाँ ले जाना चाह रहा है ये, कोई तो दौड़ने लग गया भाई, ये तो अलग ही जगह जा रहा है और मेरे पे भौंक के। और देखो गाइस अभी इसने भौंकना बंद कर दिया जब मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, शायद से पक्का ये मेरे को कहीं ले जाना चाह रहा है अपने पीछे, शायद से इसने चॉप को देखा है गाइस, क्या पता ये चॉप का दोस्त हो, ऐसा भी हो सकता है यार। एक काम करते हैं इसी को फॉलो करते हैं, ये डॉग जिधर जिधर जा रहा है मैं तो भाई इसके पीछे जाने वाला हूँ। ऐसे गाइस ये काफी ज्यादा स्मार्ट डॉग होता है, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल डॉग तो होता ही है, काफी ज्यादा स्मार्ट भी होता है। इसी को फॉलो करते हैं और मुझे लगता है गाइस ये पक्का हमें चॉप तक जरूर पहुंचाएगा। बाकी ये जा किधर रहा है, कोई बात नहीं चलते इसके पीछे पीछे। वैसे कितनी दूर जाना है भाई? हेलो डॉगी तू बोलता नहीं है क्या? लगता नहीं है गाइस ये बोलता है, पर हाँ तो अभी तक बता चुका होता। खैर जो भी हो मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे चॉप चाहिए। पता नहीं अचानक से कहाँ ही गायब हो गया, किस मुसीबत में है कुछ पता नहीं हमें गाइस, बट इसको फॉलो करते हैं और चॉप आई थिंक मिल जाएगा। बाकी भाई तू किधर जा रहा है, बाथरूम करने? नहीं नहीं वो तो आगे गया गाइज, ये रहा जा रहा। चलो गाइज इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं ये कहाँ लेकर जाता है हम लोगों को। फिलहाल तो गाइज तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो फटाफट से जाकर गाइज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और तुम लोग चाहते हो गाइज हम लोग जल्द से जल्द चॉप को ढूंढ ले तो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट लिख दो कमेंट में ताकि हम लोग इसका जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट लेकर आए और पता करे कि ये डॉगी हमें लेकर कहाँ जाना चाह रहा है। बाकी रुक गया ये, कहाँ जाना है भाई? बाकी मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।